झालावाड़ नगर परिषद के सभापति संजय शुक्ला पर तालाब की पेटी की जमीन पर आवासीय कॉलोनी काटने और प्लॉट बेचने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि यह मामला एनजीटी में विचाराधीन है, जिसमें सभापति और झालावाड़ प्रशासन के कई अधिकारियों को तलब किया गया है। मयबन टीवी के हाथ सभापति संजय शुक्ला द्वारा निर्वाचन आयोग को दिया शपथ पत्र हाथ लगा है, जिसमें संजय शुक्ला ने निर्वाचन आयोग को गलत जानकारी दी है। वहीं एवन टीवी की लगातार रिपोर्ट का असर यह है कि झालावाड़ में नगर परिषद सभापति संजय शुक्ला की बर्खास्तगी की मांग जोर पकड़ने लगी है। विपक्ष ने संजय शुक्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिन लोगों ने तालाब में प्लॉट खरीदे हैं उनमें भी आक्रोश बढ़ रहा है। मेरे हाथों में जो ये दस्तावेज हैं, ये साबित करते हैं कि झालावाड़ नगर परिषद के सभापति संजय शुक्ला ने नगरीय निकाय चुनाव में निर्वाचन आयोग की आंखों में धूल झोंककर शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है। संजय शुक्ला ने वार्ड 39 से भरे इस नामांकन में झालावाड़ में स्वयं की केवल 2 बीघा कृषि भूमि बताई है। संजय शुक्ला के पास भूमि है, ये बात सच है, पर वो भूमि कृषि भूमि है, ये बात सरासर झूठ है। सभापति संजय शुक्ला ने केवीके के नजदीक झालावाड़ सांसद कार्यालय के ठीक सामने तालाब पेटे की जमीन पर आवासीय कॉलोनी बना डाली। ये पेटा किस्म की भूमि है जिस पर आवासीय कॉलोनी का निर्माण हो ही नहीं सकता। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को झालावाड़ एसडीएम ने अपनी ओर से बनाई रिपोर्ट में स्पष्ट किया है। इसमें साफ लिखा है कि पेटा किस्म की भूमि होने के बावजूद यहां ग्रेवल डालकर रोड बनाए गए, मुड्डियां गाड़कर प्लाट काटे गए, बिना कन्वर्ट कराए कृषि भूमि का आवासीय उपयोग किया गया। मतलब साफ है, सभापति संजय शुक्ला ने 2 बड़े अपराध किए हैं। पहला, रक्षक के पद पर बैठने के बावजूद भक्षक की भूमिका निभाते हुए तालाब पेटे की जमीन को बेचकर अपनी जेबें गर्म की, और दूसरा, निर्वाचन आयोग को दिए शपथ पत्र में स्वयं की 2 बीघा कृषि भूमि होने की गलत जानकारी दी, जबकि वो भूमि आवासीय बनाकर बेची जा रही थी। एवन टीवी के लिए झालावाड़ से प्रणय विजय।